हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग धर्म, जातियां, सभ्यताएं, लोग इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होता है। एक घर के लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती और हमें इस विविधता का स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे अपना नहीं पाते, जिसके कारण तनाव पैदा होता है, जो जुर्म की नींव रखता है। अमजद, जो सब्जियां नहीं है ना, वो बाजार से खरीद लाना। इसका अभी तक सूप खत्म नहीं हुआ है, तुम देख लो। ठीक है, अभी तक खत्म नहीं किया, फटाफट से खत्म करो। अच्छा नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं पीना है बाबू? अब मुझे बताओ कि आज स्कूल में क्या सिखाया मेरे बच्चा को? मैथ्स सिखाया। ये खत्म करो, तब मम्मा तुम्हें क्या देगी? वीडियो गेम। निंजा वाला? हाँ वही वाला। खेलो खेलो खेलो। नहीं, पहले आप बोलो निंजा वाला। हाँ निंजा वाला। जग्गू कहाँ है? सब जग्गू घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, इस बार पक्की इन्फॉर्मेशन मिली को यहीं पर है। हटो। सब मेरी बात सब। अंदर देखो जरा। चल चल बोला दे। अरे पकड़ पकड़ सो। कहाँ था रा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, बता दो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। पटक से हाथ हाथ में पकड़ो और खत्म करो। मम्मा तुम्हें नहीं जाओ। ये लो खत्म करो। कैसी है? चोट ज्यादा गिरी नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मुस्कान, तुम चाहो तो जग्गू की वाइफ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा सकती हो, ताकि वो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। नहीं साहब, मुझे कोई कंप्लेंट ही लिखा नहीं, मैं इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। लेकिन ये जग्गू की वाइफ को कैसे पता चला कि तुम एक पुलिस इन्फॉर्मर हो? पैर फट जाएगा इसका। ऐसे थोड़ी चलाते, अब प्यार से चलाते, आराम से। ऐसे 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 मैंने बहुत रोका, पर मैं पुलिस की इंफॉर्मर हूँ। ये जग्गू की परिवार को आपने बताया ना? मैंने बताया था उसको, और अगर तूने मेरे पोते को यहाँ से ले जाने से रोका ना, तो तेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। मैं इसे ले जाने के लिए आया हूँ।
चल बेटा, चलो 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 चलो, आराम आराम। अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगी। पर मैं इसका आजोबा हूँ, मेरा इस पे हक है कि नहीं? वो हक तो तेरा इसके बाप के साथ ही खत्म हो गया था। अगर मेरे बेटे की तरफ आप उठाकर भी देखा ना तो मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। निकलो। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इन्फॉर्मर्स यानी कि खबरी पुलिस डिपार्टमेंट का एक अनऑफिशियल हिस्सा होते हैं। ये तहकीकात में पुलिस डिपार्टमेंट की मजबूती से मदद करते हैं। और इसी तरह की एक खबरी है मुस्कान। जाहिर है कि खबरी होना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एक खबरी और इन्फॉर्मर होने के साथ साथ मुस्कान एक माँ भी है जो अपने बच्चे को अकेले पाल रही है। जहाँ एक तरफ उसे छोटे मोटे क्रिमिनल से खतरा रहता था, वहीं उसे जूझना पड़ रहा था अपने ससुर से, जो अपने पोते को अपने पास ले जाने के लिए माँ बेटे को अलग करना चाहता था। तो क्या इसी वजह से मुस्कान को अपने बेटे को लेकर डर रहता था, या फिर कोई और भी वजह थी इस डर की? सुंदर आया क्या? नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं आया वो। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। सुंदर कहाँ चला गया? दादा, आपने मेरे सुंदर को कहीं देखा है? नहीं मैडम, इतने सारे बच्चों में कहाँ ध्यान जाएगा, गया होगा किसी दोस्त के साथ। हाँ अंकल, आपने मेरे सुंदर को कहीं देखा है? सुंदर है क्या? सुंदर नहीं आया। अरे अब समझी मेरा सुंदर कहाँ गया। छोड़ूंगी नहीं उस साले को मैं। मैं यहाँ अपना बेटा लेने आई हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? सुंदर! अरे पागल हो गई क्या? सुंदर! अरे सुन! सुंदर! अरे पागल हो गई क्या? अरे सुन! सुंदर! अरे सुंदर को कौन लाएगा यहाँ पे? ये लाएगा? अरे मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता है। सुंदर को मैंने देखा नहीं, वो मेरे पास नहीं है। मुस्कान, बिना किसी सबूत और गवाह के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, फिर भी हम उससे बात करेंगे। सर कुछ भी कीजिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुस्कान, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं और पुलिस पूरी कोशिश भी करेगी, लेकिन तुझे भी अपने आप पे काबू रखना होगा। तूने अपने ससुराल में जो कुछ किया है ना, वो बात हमें पता चली है, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। मुस्कान कोई गलती नहीं करेगी दोबारा। चल बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को ढूंढ लाइए सर। तुम जाओ, हम पता करते हैं। मेरा बेटा, इसके ससुराल में जाके पता करो, अगर बच्चा है तो मां से मिलवा दो, और अगर नहीं है तो उसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो।
अपने खबरी को भी काम पे लगा। ठीक है सर। साहब वो झूठ बोल रही है, मेरा उस बच्चे से कोई लेने देना नहीं है। पर बेटा तो तुम्हारा भी था ना वो। अब जिस दिन से वो घर छोड़ के गई है उस दिन से वो दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं। साहब तुमने मुस्कान को घर से बाहर क्यों निकाला? साहब मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के चली गई है। खुद घर छोड़ के गई? क्यों? वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, घर की हर चीज में उसको प्रॉब्लम थी। साहब अब इतनी रात में बुड्ढे के लिए दूध गर्म करो, बस दिन भर इनकी सेवा करती रहो। अरे अब क्या हुआ? देखो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे बाप की सेवा कर करके। मैं अपने बच्चे का देखूं, तुम्हारे बाप की सेवा करती रहूं दिन भर। देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, अब इस घर में मुझे एक पल भी नहीं रहना है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। अब आप ही बताओ साहब, बीवी के लिए बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? बीवी तो जैसे तैसे काट लेगी, लेकिन इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? जब मैंने बाबा को छोड़ने से मना कर दिया तो उसने बच्चे को लिया और घर से चली गई। वो घर से चली गई और तुमने रोकने की कोशिश भी नहीं की? तुम्हें बच्चे की फिक्र नहीं थी? साहब फिक्र थी और फिक्र है, मैंने उसको बहुत कोशिश की रोकने की लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। साहब मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बहू बहू मेरी बात सुनो, भगवान के लिए घर छोड़ के मत जाओ। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा, मैं खुद अपना काम कर लूंगा, पूरे घर का काम मैं कर दूंगा। भगवान के लिए मेरे पोते को मुझसे अलग मत करो, भगवान के लिए। बेटा रुक जा, रुक जा, हट यहाँ से। बहू बहू मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ। अरे मेरे पोते को लेकर मत जाओ मुझसे, बहू ऐसा मत करो। बहू बहू मेरी बात। ऐसी क्या खास वजह थी कि मुस्कान अपने पति तक को छोड़ने को तैयार हो गई और अकेले रहने लगी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हम क्या जाने साहब, हो सकता है वो कहीं अपने पोते को पाने के चक्कर में ही तो आपने ये ड्रामा नहीं रचा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा अपना पोता है, मेरा अपना खून है, उसे चोरों की तरह ले जाने की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब जब मुस्कान से आपने अपने पोते को छीनने की कोशिश की आप नाकामयाब रहे। ये सही है सर, पर सुंदर के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। उसे छुपाकर मैं कितने दिन अपने पास रख सकूंगा सर? एक नहीं दिन तो आप पकड़ ही लेंगे। इतनी समझदारी रखते हैं आप, रखिएगा और गलती से भी कोई गलती मत कीजिए। जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जो बाप बेटे ने मुस्कान का कैरेक्टर बताया वही सच है या तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सर औरत हो या मर्द, घर के अंदर या बाहर हर किसी का कैरेक्टर चेंज हो ही जाता है सर। अरे अरे बेटा, अरे क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? हाँ ये देख, ये भी तो तेरा अपना ही घर है ना। अरे हम लोग कोई पराए थोड़े ही हैं। अच्छा चल भूल जा, देख मैं तुझे अपने हाथ से क्या बनाकर खिलाने वाली हूँ। मच्छी तुझे पसंद है ना, चल खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे मेरे आई के पास ले चलो, मुझे मेरी आई के पास जाना है। अरे ले जाएंगे, पहले तो थोड़ा सा खाना तो खा ले। मुझे मेरी आई के पास ले चलो, मुझे मेरी आई के पास जाना है। अरे तुझे तेरी आई ने ही यहाँ भिजवाया है। मुस्कान कुछ महीना पहले यहीं पे रहती थी, अक्सर पति पत्नी झगड़ा होता था। साहब एक नंबर का बेवड़ा था रामवत, वो रोज शराब पीकर अपनी बीबी को पीटता था। साहब हमने तो रामवत को ये तक कहते सुना कि सुंदर उसकी औलाद है ही नहीं, शायद इसीलिए बीवी बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया होगा। रामवत से मुस्कान की शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी साहब। मुझे लगा था मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी। रामवत सरकारी नौकर है, पुलिस में कांस्टेबल है, पर एक भी दिन वो उस घर में खुश नहीं रही साहब। शादी के कुछ दिन बाद ही घूस लेने के जुर्म में रामवत सस्पेंड हो गया और मेरी बच्ची ने उसका घर छोड़ दिया। मैं तो चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर वो मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर उसने फैसला किया और एक चाइनीज का ठेला खोला और अपना गुजर बसर करने लगी। इसका मतलब है कि इन दोनों बाप बेटे ने जो मिलकर हमें कहानी सुनाई उसमें अभी भी कई सारे पेच हैं। पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों ने हमें झूठी कहानी क्यों बताई, क्या छिपाना चाहते, कहीं बच्चे को?
ये सच है मेरे बच्चे, और जितने जल्दी तुम इस बात को समझ लेगा उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। एक बात बताओ, क्या सुंदर अकेले ही स्कूल से घर वापस आता था हर रोज? नहीं साहब, मैं उसे स्कूल से छोड़ने ले जाने में खुद ही जाती थी। एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रखती थी मैं उसे, हमेशा ही मेरे साथ ही रहता था, ठेले पर बैठकर पढ़ाई करता था, और जब शाम में मैं घर जाती थी उसे अपने साथ ही ले जाती थी। उसे पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने मेरा ठेला तोड़ दिया साहब, बस इसी वजह से मैं उस दिन स्कूल समय पे पहुंच नहीं पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जग्गू के आदमी ने तुमसे बदला लेने के लिए सब किया? पता नहीं साहब, बस मैं सुंदर से मुझे मिलवा दीजिए साहब। पता नहीं इसमें वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा वो। अरे चुप हो जा, अरे रो मत, चल उठ 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 उठ, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। उठ उठ मेरे बेटा, ये देख क्या लाई तेरे लिए, ये देख स्कर्ट लाई हूँ तेरे लिए, कितनी खूबसूरत है ना। ये देख मेरा बेटा, ये है फ्रॉक, कितनी खूबसूरत लगेगी मेरे बच्चे पर। और ये रहा लिपस्टिक जो मैंने लगाई है, और ये देख चूड़ियाँ, खन खन, बिल्कुल राजकुमारी लगेगी तो। हाँ मनु सौरत की साबो मुस्कान, शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने पति की नौकरी खा गई। मेरा बेटा हवलदार एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत एंटी करप्शन विंग वालों ने उसे फंसा दिया और उसकी उसकी नौकरी चली गई। आपके बेटे की नौकरी भ्रष्टाचार की वजह से गई थी, ना कि तुम्हारे बहू की वजह से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस औरत से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुस्कान से अब मेरा कोई लेना देना नहीं, उसका मुंह देखना नहीं चाहता मैं। और तुम्हारे पोते सुंदर से, उससे तो लेना देना है तुम्हारा? नहीं है साहब, मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं है, वो गंदा खून अब मुझे नहीं चाहिए। सर ये मनोहर तो अपने पोते पे मरा जा रहा था, जान छिड़कता था उसके लिए, लेकिन ये अचानक से उसको क्या हो गया? इसकी साफ साफ दो वजह हो सकती है, एक तो ये कि बच्चा अभी उसी के पास हो और वह जानबूझ कर नाटक कर रहा है, दूसरी वजह यह कि अभी भी कोई ऐसी बात है जो हमारे सामने तक नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोहर को इस बात का शक हो गया हो कि सुंदर उसके बेटे की औलाद नहीं बल्कि मुस्कान का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो, ये उसकी औलाद हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से किसी ने सुंदर को किडनैप करवाया हो? एक काम करो सर, मुस्कान के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, उसका कैरेक्टर, रामवत से अलग होने की असली वजह, अलग होने के बाद वो किसी के साथ थी चक्कर में या नहीं, सब कुछ। सर मैंने मुस्कान के बारे में सब कुछ पता किया है सर, उसकी सारी जिंदगी अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन सर एक बात है, एक किन्नर है जो इसका खास है, वो अक्सर उससे मिला भी करती थी। किन्नर से मिलने की वजह तो इन्फॉर्मेशन निकालना भी हो सकता है ना, या कुछ और भी। ऐसे कौन है ये किन्नर? सर जहां मुस्कान का चाइनीज ठेला लगता है उसी के आगे वाले सिग्नल पे ये पैसा मांगता है। चल साहब, नहीं है ना, कोई बात नहीं साहब, साहब जी साहब। तो अक्सर उसी इलाके में काम करती है ना जहाँ मुस्कान अपना चाइनीज वाला ठेला लगाती है, जानता है? जानती है ना साहब, वो सूप जो बेचती है ठेले पे। हाँ साहब, उसे तो मैं अंदर की खबर भी देती है, बहुत अच्छी औरत है साहब। तो उसके बच्चे को भी जानता होगा? जी साहब। अटक अटक के क्यों बोल रहा है, पूरी बात बोल। वो साहब मुस्कान अपने बच्चे पे नजर रखने के लिए मुझे पैसे देती थी, और वो मुझे बच्चे पालने का तरीका भी पूछती थी मुझसे। बच्चे पालने का तरीका पूछती? हाँ साहब। इसे ऐसे मिला? अब तो लग रहा है बिल्कुल हमारी बिरादरी का। सर अभी अभी पता चला है कि रामवत का किसी बार गर्ल के साथ अफेयर चल रहा है, और इस बार गर्ल का नाम है भावना। सर इस भावना के चक्कर में ही रामवत ने मुस्कान को छोड़ दिया और इस भावना को घर ले आया। और सर इतना ही नहीं, इस भावना ने रामवत के सामने एक शर्त भी रखी थी कि जब तक रामवत मुस्कान को तलाक नहीं दे देता तब तक ये उससे शादी नहीं करेगी। ये असल कहानी? यस सर। उस दिन बाप और बेटा हमें कुछ और ही सुना रहे थे, लगता है मनोहर भी अपने बेटे के साथ मिला हुआ है। नहीं सर, सुनने में तो यह है कि मनोहर भी इस बार गर्ल को घर में लाने के खिलाफ है।
हाँ साहब, मैं इस भाव में साहब, ये सच है कि मैंने शर्त रखी थी कि मुस्कान को तलाक देने के बाद ही मैं उससे शादी बनाएगी। हाँ क्यों साहब, मैं ठहरी बियर बार की एक डांसर। साहब अपना भी सपना होता है कि अपना एक घर हो, एक पति हो साहब। और साहब मेरे को मालूम था मुस्कान को तलाक दिए बिना वो मुझसे शादी नहीं बनाएगा साहब। और साहब अगर कल को वो वापस आ गई तो, और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया तो साहब, साहब फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी ना। साला धंधा भी गया हर आदमी भी। और इसीलिए तुमने सुंदर को उठवा लिया ताकि अपने बच्चे के प्यार में रामवत अपनी बीवी के पास वापस न लौट गया है। नहीं साहब, सब मैं कहे का उसके बच्चे को उठवाएगी सब, ना तो मुस्कान से और ना उसके बच्चे से मेरा कोई लेना देना था। हाँ ये सही बात है कि मुझे मेरा होने वाला ससुर एकदम नहीं पसंद था और ना तो मेरी उससे बनती थी साहब। सब उसको दिक्कत थी हमारे रिश्ते से, उसके बच्चे पर तो उसका जोर चलता नहीं था। और सब दिन भर मुझे सुनाता रहता था, बुड्ढा साला। मुझे नहीं चाहिए, पुलिस वालों के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही जाना होगा अपने बच्चे को ढूंढने। मुस्कान पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो क्या कर सकती है? और तुझे कुछ हो गया तो? आई मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी मुखबिरी की वजह से पुलिस के कितने केसेस सॉल्व हुए हैं, क्या मैं अपने बच्चे को नहीं ढूंढ सकती? चले मत। मुस्कान, मुस्कान सुन तो। सुंदर को लापता हुए कई दिन बीत चुके थे लेकिन उसके बारे में कोई सुराग, कोई क्लू पुलिस को अब तक नहीं मिला था। जहां एक तरफ मुस्कान अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, वहां रामवत को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुंदर के दादा मनोहर अपना सब कुछ सुंदर के नाम करना चाहते थे, उन्हें अपनी बहू की बिल्कुल फिक्र नहीं थी लेकिन अपने पोते के लिए प्यार हमेशा उमड़ता था। पुलिस को भावना पर भी शक था क्योंकि जहां मनोहर हर हालत में सुंदर को अपने घर लाना चाहते थे, वहीं भावना उसे आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मनोहर के अचानक सुंदर के प्रति रवैया बदलने की वजह क्या थी? वो गंदा खून अब मुझे नहीं चाहिए। कहीं मुस्कान ने खुद ही तो सुंदर को गायब नहीं करवाया था? सुंदर की तलाश जोरों पर थी और शक के दायरे में सभी थे। सर, अभी अभी खबर मिली है कि सुंदर के जैसा ही दिखने वाला बच्चा भाईंदर में देखा गया। क्या? यस सर। खड़े निकालो, चलो। ठीक है सर। नहीं, मैं सब नहीं पहनूंगा। पहनना पड़ेगा तुझे ये सब कुछ, अब तू भी हम में से एक है, समझा? नहीं तो दीदी, ज्यादा देर एक जगह पर रुकना ठीक नहीं है, इसे लेके निकल दे चल। ये सर, उधर देखो सर, यहां तो कोई भी नहीं है। एक काम करो, बस्ती में चेक करो। सर ये तो किसी छोटी लड़की के कपड़े हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी अपने पास? सर इन्फॉर्मेशन तो यही थी कि यहां पर सुंदर को किडनैप करके रखा गया है। और सर ये देखिए, ये स्कूल यूनिफॉर्म, और सुंदर को भी स्कूल से निकलने के बाद ही गायब किया गया है। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट थी। नहीं सर, ये छोटी लड़की के कपड़े, अंदर मिले लड़की के कपड़े। और शांति का बयान कि मुस्कान उससे पूछती थी कि बच्चे को कैसे पालते हैं, अगर दोनों के स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये हो सकता है कि सुंदर एक किन्नर हो, शांति को यह बात पता हो और इसीलिए मुस्कान उसे पैसे देती हो ताकि वो मुंह बंद रखे। शांति को पुलिस स्टेशन बुलवा। तो इसके बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सब मैं किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी और मुस्कान दीदी की लाइफ तो शुरू से ही मुसीबतों में घिरी हुई रही है। रामवत जानता था कि उसका बच्चा किन्नर है? हाँ साहब, उसने मुझसे कहा था कि सुंदर को कहीं पर ले जाकर फेंक के आओ, पर मैंने मना कर दिया। आखिरकार वो हम में से एक ही है ना, अगर भगवान ने उसे ऐसा बनाया है तो उस बेचारे का क्या कसूर। ठीक है, तुम जा सकते हो। इसका मतलब है रामवत ने अपने बच्चे की किडनैपिंग करवाई। ऐसे बच्चों को, किन्नरों को बेचना तो आसान है, ऊपर से उसे अपने इज्जत की पड़ी होगी कि अगर समाज को ये बात पता चल जाए कि उसका बेटा किन्नर है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। रामवत घुसखोर, दारूबाज, लड़कीबाज और अब किडनैपर।
सुंदर किन्नर है ये बात अब पुलिस को भी पता लग चुकी थी और इस जानकारी ने पुलिस को नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं सुंदर को इन लोगों के पास छोड़ने वाली मुस्कान खुद ही तो नहीं थी। एक किन्नर बच्चे को जन्म देना हमारे समाज में आज भी अभिशाप जैसा है। हम किन्नरों को हीन भावना से देखते हैं जो सिर्फ नाच गाकर अपना पेट भरते हैं। उनके पास एक आम आदमी की तरह सारे अधिकार हैं, लेकिन हमारे समाज का ढांचा ऐसा है कि किन्नर बच्चे का भविष्य किन्नर टोली के अलावा और कुछ नहीं होता। और शायद इसीलिए मुस्कान सुंदर की असलियत को छिपा कर रखना चाहती थी। पुलिस पहले से ही एक केस में उलझी हुई थी और अचानक उनके सामने एक और केस आकर खड़ा हो गया। अरे काका अपने आप को संभालो काका, संभालो काका, संभालो अपने आप काका। विक्टिम उस वक्त घर में अकेला था, घर में कहीं फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं मिले सर। इसके पिता मनोहर ने इसको इस कंडीशन में देखते ही हमें फोन किया। अब तक चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से मारा है। कोई हथियार मिला? अभी तक तो नहीं सर। अच्छे से छानबीन करो। काका सबसे पहले बॉडी को आप ही ने देखा था? हाँ साहब, मैं बैंक गया था अपनी पेंशन लाने के लिए। यहाँ आया तो देखा मेरे बेटे की लाश पड़ी है साहब। सब कुछ उस डायन की वजह से हुआ है। मनु उसके घर में कदम पड़े, पता नहीं घर में किसकी नजर लग गई साहब। पहले नौकरी गई, बाद में खुद दुनिया छोड़ के चला गया साहब। कह रहा था कि कल तलाक की अर्जी करने जाऊंगा और उसके बाद सारा झंझट खत्म। देखो क्या मालूम था कि उससे पहले ये सब हो जाएगा साहब, ये सब हो जाएगा साहब। सर मैंने इस पूरे घर की छानबीन की है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सर। कोई हथियार भी नहीं मिला है, बस कुछ बिखरी हुई चीजें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक रामवत का कत्ल चाकू लगने की वजह से हुआ था, दोपहर 2 से 3 के बीच में। उस वक्त तुम कहां थी? क्या मतलब आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? मैं खूनी नहीं हूं। हम ऐसा इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पति के मरने का जरा सा भी गम तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। उसके मरने के बाद तुम उसके घर भी नहीं गई थी, बल्कि इधर उधर अपने खबरियों से मिल रही थी। हाँ मैं उनसे मिल रही थी अपने बच्चे का पता लगाने। मेरा मेरे बच्चे से बढ़कर कोई नहीं है सर, और रामवत की मौत तो अभी हुई है। मेरे लिए तो वो कब का मर चुका था। मैं तो विधवा कब की हो चुकी थी सर, जिस दिन मैंने उसके घर छोड़ा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ हो सकता है कि मैं उस दिन घर पे रही होंगी या फिर बच्चे की तलाश में बाहर गई होंगी। तुमने अपने पति का घर क्यों छोड़ा था? मेरा पति एक बार डांसर के पीछे पागल था सर। वो मेरे बच्चे से मेरे से ढंग से पेश भी नहीं आता था सर। बात बात पे मारना, पीटना, तंग करना, हम परेशान हो गए थे सर उससे। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे पति को ये बात पता चल गई थी कि तुम्हारा बेटा किन्नर है, इसलिए उसने तुमसे कहा कि अगर तुम नहीं चाहती कि ये बात किसी को पता चले तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा बेटा किन्नर है?
जब वो 2 साल का था, डॉक्टर ने जब मुझे बताया तब तो मैं सकते में आ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने मेरे बच्चे को भी छोड़ने का फैसला किया। सर कि मेरा परिवार उसे कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए यह सच्चाई मैं सबसे छुपा रही थी। पर वो जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी टेंशन भी बढ़ रही थी। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक हो रहा था। पड़ोस की बच्ची के कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, वो कपड़े उठाकर घर ले गया। जब मैं घर पहुंची तो वो कपड़े वो पहन रहा था। हर वक्त उसे अपने साथ रखती थी और उसे समझाती थी कि ये सब कुछ गलत है। यहाँ तक कि सब मैं उसे दूसरों के सामने कभी कपड़े भी नहीं उतारने दिए। पब्लिक टॉयलेट बाथरूम में उसे यूज करने के लिए मना कर दिया था। मैंने ये सच्चाई छुपाने की बहुत कोशिश की सर, पर एक दिन मम्मा को लेके जाओ। मम्मा नहीं उठ रही। चल आजा बेटे। रामवत ने सुंदर को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया। और रामवत ने भी कहा था सर कि अगर इस घर में रहेगी तो वो इस सच्चाई के बारे में सबको बता देगा। मतलब रामवत ही ऐसा इकलौता इंसान था जिसे ये राज पता था, और उससे तुम्हें अपने बेटी की जान को खतरा था। इस बच्चे को तुम लोगों ने देखा है कहीं? हाँ साहब, इस बच्चे को मैं शबाना दीदी के साथ देखी थी। शबाना? ये शबाना कौन है, कहाँ मिलेगी? साहब वो तो ऊपर चली गई, 2 दिन पहले ही उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ये बच्चा कहाँ है, कहीं देखा आप लोगों ने उसे? नहीं साहब, उसके बाद वो बच्चा हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। सर दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच जब रामवत का मर्डर हुआ, उस वक्त भावना बार में ही थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर। अगर भावना ने रामवत का कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया? कत्ल 2 से 3 के बीच में हुआ था और घर में किसी के फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है। इसका मतलब कत्ल वही कर सकता है जो घर में आसानी से आ जा सके, मनोहर, भावना और मुस्कान। जिस तरह से मनोहर और भावना दोनों बाहर थे, बची मुस्कान? सर मुस्कान या मनोहर, मनोहर भी तो आ सकता है ना सर। हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक हो जिसने रामवत का मर्डर किया हो सकता है। पुलिस इस नतीजे पर तो पहुंच गई थी कि खूनी कोई घर का ही था, मगर कौन? क्या मनोहर नहीं अपने बेटे का कत्ल किया था, या भावना, या फिर मुस्कान? एक तरफ पुलिस की तहकीकात जोरों पर थी और दूसरी तरफ मुस्कान ने खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। आपने इस बच्चे को कहीं देखा? अरे हाँ, ये तो वही बच्चा है
काफी दिनों से शबाना दीदी के साथ में रहता था। शबाना दीदी इसको बेचने वाली भी थी, पर अचानक उसकी मौत हो गई, तब से इस बच्चे को नहीं देखा। तुम लोग किसी शबाना नाम के किन्नर को जानती हो क्या? हाँ साहब, शबाना दीदी को जानते तो हैं, पर उनकी मौत हो चुकी है। उनके साथ एक जीनत नाम की किन्नर रहती थी, उनके मौत के बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। अच्छा, इस जीनत का कोई मोबाइल नंबर है? नहीं साहब, मेरे पास तो नहीं है, पर मिल जाएगा साहब। अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे ना? कौन बाप नहीं करता साहब, अब फिर वो तो मेरा इकलौता बेटा था, लेकिन वो शराबी था। अब थोड़े बहुत ऐप तो हर किसी में होते हैं ना सर। इसका मतलब तुमने उसके सारे ऐप एक्सेप्ट कर लिए थे? हाँ सर, आखिर खून तो मेरा ही था। और तुम्हारे बेटे का बेटा, वो भी तो तुम्हारा अपना ही खून था ना? हाँ, और उसमें वो डायन भी शामिल थी। लेकिन आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तुम्हारा पोता, जिसके लिए तुम अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, वो एक किन्नर था? ये क्या कह रहे हैं आप सब? मेरा पोता? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं मनोहर, हमें पता है कि तुम्हें यह बात पता चल गई थी कि तुम्हारा पोता एक किन्नर है, और इसी की वजह से तुमने अपने बेटे की जान दी। नहीं साहब, ये सही नहीं है। कत्ल के दिन तुम बैंक में गए थे, हमने बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कत्ल से एक घंटा पहले तुम बैंक से निकले, उसके बाद सीधे घर गए। थोड़ी देर बाद तुम घर से फिर निकले, और आधे घंटे के बाद आकर तुमने पुलिस को फोन किया, ये बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। ये देखो तुम्हारे मोबाइल के लोकेशन, जो ये बताते हैं कि तुम घर के आसपास से कत्ल करे। ये बताओ उसे क्यों मारा और कैसे मारा? नहीं मैंने। तुमने क्यों मारा और कैसे मारा? हाँ मैंने मारा उसे, मैंने अपने बच्चे की जान ली है। उस दिन वो, मैं जब घर पहुंचा तो वो मुझसे मिलने के लिए आए और 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था मुझसे। बाबा मेरे को अभी कभी 10 लाख रुपए चाहिए। किस भरोसे पे दूं तुझे पैसे? सस्पेंड किया हुआ हवलदार जिसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है, और जो एक बार वाली के इशारे पे नाच रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो एक किन्नर का बाप है। बुड्ढे, तूने मुझे किन्नर का बाप बोला? तूने किन्नर का बाप बोला? अरे बाप को मारेगा तू? इतना बड़ा हो गया तू? चल निकल यहां से। क्या बदतमीजी कर रही है? दोनों के बीच हाथापाई हुई और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे मार दिया। इसका मतलब है कि सुंदर को भी तुमने ही कहीं छोड़ दिया था, ताकि किसी को यह बात ना पता चले कि तुम्हारे खानदान में किन्नर पैदा हुआ था और तुम्हारी इज्जत बची रह जाए। मुझे गुस्सा बहुत था, लेकिन सुंदर को गायब कराने में मेरा कोई हाथ नहीं। अरे साहब, मैं अपने पोते को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं चाहता था कि मेरा वंश चलाने वाला मेरे साथ रहे, इसलिए बार बार उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए पहुंच जाता था। बेटा मैं तुम्हारा दादा हूँ। मुझे आई ने आपसे मिलने से मना किया है। तुम्हारी आई को पता नहीं चलेगा? जब तक तुम्हारी आई आएगी तब तक तो आइसक्रीम खा के हो चुका होगा। बहुत टेस्टी है, खा के देखो। आराम से आराम से आराम से। वाओ दादा, आप कितने अच्छे हैं। लोग है ना, चल के थोड़े चॉकलेट्स भी ले लेते हैं। दादा सुसू लगी है। तो तू बेटा कहीं भी कर ले ना, तू तो बच्चा है, कहीं भी कर सकता है, कर ले। नहीं, आई ने सबके सामने पैंट उतारने से मना किया है। तेरी आई तो है नहीं यहाँ पे, अब कोई है ही नहीं यहाँ पे, पता थोड़ी चलेगा। कर ले। बहुत जोर की लगी है, आप उस तरफ कर लो। ठीक है, उस तरफ कर लेता हूँ। मैं घूम गया, देखू बेटा हो गया। मैं घूम रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, देख मैं खूब। मुझे विश्वास नहीं हुआ साहब कि मेरा पोता एक किन्नर है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस मैं मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया, मैं उसे वहीं छोड़ दिया। आखिरी बार उसे कहां छोड़ा था? राजेंद्र चौक के पास। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, सुंदर का नाम किसी शबाना नाम के किन्नर ने किडनैप किया था। पता है हमें। हाँ, पर वो मर चुकी है। कहते हैं कि किसी ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। एक उम्मीदवार है उसके साथ रहने वाली, अगर जिनत का हमें पता चल जाए तो हम सुंदर तक पहुंच सकते हैं सर। हमें पता है,
और जीनत का नंबर भी मिल चुका है, ट्रेस पे भी डाल दिया है, बहुत जल्दी उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चलेगा। डोंट वरी। मुझे मेरी आई चाहिए। ये बच्ची तू समझती क्यों नहीं है, अब से मैं ही तेरी आई, तेरी माँ हूँ। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य तो नहीं दिया, कम से कम माँ का दिल तो दिया। पकड़ो उसे। ये अच्छी आंटी है। सुंदर, अरे बेटा, बेटा कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? बाकी तुझे याद नहीं आई? तुम तक कैसे पहुंचा ये बच्चा? अब सुंदर को एक औरत शबाना दीदी से अगवा करने को बोल रही थी साहब। वो बोल रही थी कि वो इस बच्चे की माँ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब प्लान जग्गू की माँ और उसकी औरत ने किया हो? क्योंकि वो दोनों भी मुस्कान से बदला लेना चाहते थे। सर, जीनत को लेकर जग्गू के घर पे चलो। यही है वो? नहीं साहब, ये वो औरत नहीं है। तो फिर कौन हो सकती है? साहब, मैं जानती हूँ वो औरत कौन है। मैंने ही शबाना से कहा था कि सुंदर को किडनैप करके ले जाए। मैं अपनी बेटी मुस्कान को और दुखी नहीं देख सकती थी। आज नहीं तो कल ये बात तो सामने आनी ही थी ना कि सुंदर एक किन्नर है। फिर क्या, ये दुनिया, ये समाज धीरे धीरे कटने लगती उससे, फिर कौन इसका हाथ थामता? उस दिन जब मंदिर में मुस्कान के लिए प्रार्थना करके घर लौट रही थी तो मैंने सुंदर को अकेले में देखा। मुझे लगा ईश्वर ने मुझे अच्छा मौका दिया है। बस मैं शबाना के पास गई और उसको बोला। ये कौन, क्या लगता है तेरा? बेटा है मेरा, तुम लोगों जैसा किन्नर है। हाँ, लेकिन ये राज राज ही रहना चाहिए। ए, मैं तेरे को जानती भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहती। शबाना सुंदर को देह व्यापार के दलदल में घसीटना चाहती थी साहब, और उस दिन शबाना बहुत गुस्से में थी साहब, उसकी आंखों में खून सवार था। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे भाई के पास जा रहे। ये तेरी तो और फिर मैंने उस दुष्ट शबाना की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। मनोहर को रामवत की हत्या के लिए, शारदा को अपने ही नाती को अगवा करवाने के लिए और शबाना को जीनत के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ऊपर वाले ने इस सृष्टि की रचना अलग अलग रंग भर के की है। अगर उसने हर तरफ एक ही रंग भर दिया होता तो सोचिए जिंदगी कितनी बेजार, कितनी बेरंग हो जाती। हमें उसके रंगों की इज्जत करनी चाहिए। अगर उसने पुरुष बनाया है, स्त्री बनाई है, तो उसने किन्नर भी बनाए हैं, तो फिर हमें क्या हक है कि हम इन्हें तिरस्कार की नजर से देखें? अगर हम ये नहीं समझेंगे कि इनके पास भी दिल है, दिमाग है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो हम अपने ही रचनाकार की तौहीन करेंगे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.